की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। चरित्र बिगड़ गया तो धन पाकर करोगे क्या? बताओ धन ज्यादा कीमती है या चरित्र? माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। यह है भागवत कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य। अनिरुद्ध आचार्य महाराज वैसे तो अपने बयानों को लेकर कई बार विवादों में रहे हैं, कई विवादित बयान भी दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फिर से ऐसा बयान दिया जिसको लेकर विवाद मचा हुआ है। इस बार राजस्थान के जयपुर में कथा वाचन के दौरान उन्होंने कहा कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करने के बाद सिनेमा घरों में फिल्में देखने जाती हैं, इसलिए उनके टुकड़े टुकड़े होते हैं। तो पहले सुनिए कि ये बयान और उसके बाद आज आपको अनिरुद्ध आचार्य महाराज के बारे में सब कुछ बताएंगे कि आखिर कौन है, कब कब विवादित बयान दिए। और ध्यान रखिए कि ये वही अनिरुद्ध आचार्य महाराज हैं जिन्होंने कहा था कि माता सीता और द्रौपदी को अति से ज्यादा सुंदर होने के कारण मुसीबत मोल लेना पड़ गया था। तो पहले उनका विवादित बयान सुन लीजिए। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। समझाओ अपनी बेटियों को, चरित्र बिगड़ गया तो धन पाकर करोगे क्या? बताओ धन ज्यादा कीमती है या चरित्र? आपका कैरेक्टर ज्यादा मूल्यवान है या पैसा? जोर से जोर से। आजकल की लड़कियां, कुछ लड़कियां पढ़ने लिखने के नाम पर जाकर किसी लड़के और किसी के साथ वह रिलेशनशिप में रहने लग जाती है। माँ बाप को लग रहा है पढ़ रही है, ये पढ़ाई है। माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि आजकल बेटियों को आप पढ़ने लिखने के नाम पर बड़े बड़े शहर भेजते हैं, भेजो साहब, पर थोड़ा ये याद रखो कि उस बेटी के साथ कोई तो हो, या माँ हो या भाई हो, कोई तो हो उसके सपोर्ट में, कल उसके साथ कुछ दुर्घटना ना घटे जिम्मेदार कौन होगा? अक्टूबर में अनिरुद्ध आचार्य महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि स्त्रियों का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं दोष है। माता सीता का अपहरण क्यों हुआ था? सुंदरता के कारण। उनका ये बयान भी सुनिए जिस पर उन्होंने सीता और द्रौपदी को लेकर टिप्पणी की थी। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। इससे पहले भी कथा के दौरान गलत तरीकों से बातों को लोगों के सामने पेश करने के मामले में अनिरुद्ध आचार्य की किरकिरी हुई थी, जिसमें एक शख्स द्वारा उन्हें कार्यक्रम के दौरान लोगों को सीता जी के बारे में गलत जानकारी देने पर टोका गया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। अब माता सीता और द्रौपदी पर बयान के बाद लड़कियों के सिनेमा देखने पर 35 टुकड़े होने पर यह बयान भी चर्चा में है। हालांकि कई बार महिलाओं के बारे में विवादित टिप्पणी करने का वीडियो भी इनका सोशल मीडिया पर वायरल है और कई आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि महाराज एक कथावाचक के मन में महिलाओं के प्रति इतनी नफरत क्यों, इतनी घृणा क्यों है महिलाओं और लड़कियों के प्रति? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है अनिरुद्ध आचार्य महाराज। कहा जाता है कि अनिरुद्ध आचार्य बचपन में अपने गांव के राधा कृष्ण जी के मंदिर जाकर ठाकुर जी की सेवा करते थे और खूब भक्ति पूजा करते थे। तब हनुमान चालीसा और गीता भी उन्हें अपने साथ लेकर जाते थे, हर रोज पाठ किया करते थे। परिवार में उनके माता पिता, जिसमें इनके पिता का नाम अवधेशानंद गिरी जो भागवत आचार्य रहे हैं, वे भी शामिल थे। स्कूली शिक्षा दीक्षा बहुत ही कम है। बचपन में इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण
इनकी स्कूली शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई। 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर के रिवंझा में जन्मे अनिरुद्ध आचार्य स्कूली शिक्षा के बाद यूपी के वृंदावन आकर संस्कृत में अध्ययन किया। इसके अलावा जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनका भी इन्होंने अध्ययन किया। यहां उन्होंने अपनी शिक्षा गुरु संत गिरिराज महाराज के शरण में ली। काफी कम उम्र में शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया था। गिरिराज शास्त्री से दीक्षा के साथ साथ अयोध्या से श्री राम कथा का अध्ययन अंजनी गुफा वाले गुरु से प्राप्त किया। फिर पढ़ाई और दीक्षा पूरी होने के बाद अपनी जन्मभूमि में ही पहली बार अपनी आवाज में श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद कथा सुनाई थी। आज के समय में अनिरुद्ध आचार्य का अपना YouTube चैनल है। कई टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों को भागवत कथा का प्रवचन देते हैं। इसके साथ इनके कथा को सुनने के लिए लोगों को 5 से 6 घंटे पहले भागवत कथा स्थल पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। कहा जाता है कि अनिरुद्ध आचार्य हमेशा लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन कथा वाचन के दौरान महिलाओं को लेकर ऐसे टिप्पणी भी कर देते हैं जिससे खबरों में बने रहें और चर्चाओं में भी बने रहते हैं। इनकी कथा की बुकिंग वर्षों पहले हो जाती है, यानी 1-2 साल पहले ही इनकी कथा की बुकिंग हो जाती है। अगर अनिरुद्ध आचार्य की सालाना नेटवर्थ की बात की जाए तो इसकी कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकी है कि इनकी कितनी सालाना इनकम है, आय है, लेकिन आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में खूब बने रहते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।